Hello, my dear students. Hope you all are fine. A hearty welcome to you all to the Apex Learning platform. Today in English, we will discuss about noun, its types and their definitions with examples. So, without wasting much time, let me begin. So, शुरू करते हैं हम introduction के साथ, definition of noun के साथ. Let's see, what is the definition of noun? Noun is defined as the name of a place, person or thing. किसी भी वस्तु, जगह या इंसान के नाम को noun कहते हैं. जैसे कि हमारे देश का नाम क्या है? India. किसी एक particular building का क्या नाम है? या जिस चीज़ से आप लिखते हो, that is pen. तो जिस भी शब्द से हमें किसी भी चीज़ के नाम का पता चलता हो, उसे हम noun कहते हैं. Now let's move towards the types. Total 10 types of noun होते हैं. First is common noun, second proper noun, third abstract noun, fourth concrete noun, fifth countable, and countable का just opposite sixth uncountable, compound as the name suggests, ये दो words को मिला के बनता है, दो या दो से ज़्यादा शब्दों को. Then collective noun, collection show करता है. Singular noun, singularity बताता है किसी भी वस्तु की. And plural noun, उसके plurality बताता है. Hopefully, types आपको समझ में आ गए हैं, तो जल्दी जल्दी इसे याद कर लीजिएगा. चलिए, we'll move towards the common noun. Common noun, किसी भी चीज़ का नाम जो कि बहुत सारी चीज़ लोगों के लिए कॉमन है, उसके नाम को कॉमन नाउन कहते हैं. जैसे कि आप जिस चीज़ से लिखते हो, उसके बहुत सारे वैरायटी आते हैं, यानी कि पेन के बहुत सारे वैरायटी आते हैं, ब्रांड आते हैं. तो पेन क्या है? उसका एक कॉमन नाउन, पेन जो है वो एक कॉमन नाउन है. वहीं आप खुद एक प्रजाति को बिलोंग करते हो, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, या ह्यूमन ही कह लो. वैसे ही टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तो वो एक कॉमन ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं. सबके लिए कॉमन नाम है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर नाउन, जब किसी भी वस्तु का एक पर्टिकुलर नाम हम प्रोवाइड करा देते हैं, एक सिंगल पर्सन, प्लेस या थिंग को नाम दे देते हैं और उसमें कोई कॉमन नहीं होता है, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे कि कंट्री कॉमन नाउन है, क्योंकि बहुत सारे देश होते हैं, पर उन देश में से एक देश का नाम पर्टिकुलर नेम क्या है? इंडिया. और किसी देश का नाम इंडिया नहीं है. वैसे ही आप बहुत सारे पेन यूज़ करते हो, पर उसी में पेंटोनिक एक ब्रांड है, तो वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पेन का नाम है. सिमिलरली बिल्डिंग्स कॉमन नाउन है, बहुत सारे बिल्डिंग्स में अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम लूँ, जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया. एंड रिमेंबर वन थिंग माई फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसा वर्ड जो देख तो हम नहीं सकते हैं, पर हम फील कर सकते हैं. यानी एक ऐसा नेमिंग वर्ड जो हमारे फीलिंग को, हमारे आइडियाज़ को, हमारे क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करता है, प्रेजेंट करता है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. जैसे कि सैडनेस, विजडम, हैप्पीनेस, इंटेलिजेंस, इनोसेंस एट्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन एग्जैक्ट अपोजिट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का. जैसे मैंने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग, इमोशंस, आइडियाज़ दिखाता है, तो वहीं कॉन्क्रीट नाउन जो है वो फिज़िकल चीज़ों को दिखाता है. यानी ये वो नेमिंग वर्ड्स हैं जो कि उन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनका अपना एक फिज़िकल एग्जिस्टेंस होता है. जैसे कि वुड, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, इंक एट्सेट्रा. नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स द काउंटेबल नाउन. वैसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं. और याद रखिएगा, काउंटेबल नाउन कई बारी अपने आगे ए एन दा का भी यूज़ करते हैं. अब आप ही बताओ, किस किस चीज़ को काउंट कर सकते हो? आपने कितना पिज्ज़ा खाया काउंट कर सकते हो, तो काउंटेबल है. एग आपने कितना खाया काउंट कर सकते हो, यस, तो वो काउंटेबल है. वैसे ही एक बात बताओ, आपने शुगर कितना खाया, इसे काउंट कर सकते हो?
आपने मिल्क कितनी पी इसे काउंट कर सकते हो? योर आंसर वुड बी नहीं, उसे काउंट नहीं किया जा सकता है। तो वैसे सब्सटेंस, वैसे नाउन जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं, जैसे कि चीज, शुगर, मिल्क, वाटर, एट्सेट्रा। नेक्स्ट कम्स कंपाउंड नाउन। जैसा कि नाम बता रहा है, ये दो या दो से ज़्यादा नाउन्स के मिलने से तैयार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, बटर एक नाउन है, फ्लाई भी नाउन है, और इन दोनों को मिला के क्या बना? बटरफ्लाई। वैसे ही वाटर प्लस मेलन मिलके क्या बना? वाटरमेलन। यानी जब दो या दो से ज़्यादा नाउन मिलते हैं, तो उस केस में जो नाउन बनता है, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, एज द नेम सजेस्ट, ये कलेक्शन बताता है। तो जिस शब्द से हमें कलेक्शन के बारे में पता चलता हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे कि अ बंच ऑफ ग्रेप्स, इससे हमें पता चल रहा है ग्रेप्स का क्या है? गुच्छा है। यानी कि ग्रेप्स के कलेक्शन के बारे में किस वर्ड से पता चल रहा है? बंच से। तो बंच कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। सिमिलरली अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का क्या है? एक ग्रुप है, क्लास है। तो हमें क्लास से स्टूडेंट्स के कलेक्शन का पता चलता है, तो क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट, सिंगुलर नाउन एंड द प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन, एज द नेम सजेस्ट, इट्स वेरी इजी। अगर हम एक जगह, एक इंसान या एक वस्तु की बात करते हैं, तो उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। वहीं अगर हम एक से ज़्यादा इंसान, जगह, वस्तु की बात करते हैं, तो उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं। जैसे एप्पल सिंगुलर नाउन है, पर इसका प्लूरल एप्पल्स, ये प्लूरल नाउन है। वैसे ही पाइनएप्पल सिंगुलर है, पाइनएप्पल्स प्लूरल है। स्ट्रॉबेरी सिंगुलर है, स्ट्रॉबेरीज प्लूरल है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली यू वुड हैव लाइक्ड इट, एंड अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।